हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए ये माउथ वाटरिंग कबाब की रेसिपी लेकर के, जिसको आप दाल चावल या स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये कबाब कैसे बनते हैं। तो कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 500 ग्राम मटन का कीमा। अब कीमे में डर पड़ेगी थोड़ी सी चने की दाल, तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी चने की दाल ले ली है। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और एक प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब गरम मसाले में मैं ले रही हूँ 3 से 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2-3 तेज़पत्ता और 10 से 12 काली मिर्च। इसके अलावा मैं ले रही हूँ 1 बड़ा प्याज चॉप करके, 4-5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 नींबू और थोड़ा सा धनिया का पत्ता चॉप करके, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की तरफ और देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है मटन को अच्छे से धो करके प्रेशर कुकर में। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लहसुन की कलियाँ जो मैंने पहले से ही छीली हुई हैं, और थोड़ा सा प्याज डाल दूंगी मैं इसमें कच्चा, 1 कटोरी चने की दाल डाल दूंगी जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये प्लेट में जितना भी खड़ा मसाला मैंने आपको दिखाया था, वो सारा खड़ा मसाला मैं डाल दूंगी। आप इसको ड्राई ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 ग्लास पानी। ये मैंने ग्लास ले लिया है, आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं जो आप घर में यूज करते हैं। तो अब हमें इसे कुक करना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। इसका टोटल कुकिंग टाइम 15 मिनट्स रहेगा, जिसमें 10 मिनट्स ये हाई फ्लेम पे और 5 मिनट या लो फ्लेम पे रहेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 से 6 विसल आने तक हाई फ्लेम पे और 2 से 3 विसल लो फ्लेम पे पकाना है इसको। तो मीनवाइल हम अपनी चटनी भी रेडी कर लेते हैं कबाब के साथ खाने के लिए, जिसके लिए मैं ले रही हूँ धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक या एज पर योर टेस्ट, और 2 चम्मच दही डाल करके इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो फटाफट हमारी चटनी रेडी हो गई है कबाब के साथ खाने के लिए। तो प्रेशर कुकर की भाप निकल जाने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा कीमा गला है कि नहीं। बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको ग्राइंड करने का। लेकिन ग्राइंड करने से पहले हम ये तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी हटा देंगे। तो अब हम इसे ग्राइंडर में डाल देते हैं और ग्राइंड कर लेंगे इसको। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे फटाफट से ग्राइंड कर लेंगे। तो जब तक कि ये ग्राइंड हो रहा है, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पूरा कीमा इस तरह से ग्राइंड करके हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 बड़ी चॉप की हुई प्याज, और जो 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो मैं ये अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये कच्ची अदरक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है 1 नींबू का रस। तो बस अब इन सब को अच्छे से मिला लेना है। तो एक स्पून की मदद से तो ये मिल नहीं पाएगा, आप स्पून को रखिए साइड में और अच्छे से मिला दीजिए इसे हाथ से। तो इसके अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसे कबाब का शेप दे दें।
तो इस तरह से सारे कबाब रेडी करके अब हम चलेंगे इसको फ्राई करने के। अब एक पैन लीजिए और उसमें सारे कबाब को फ्राई कर लीजिए। ऑयल का यूज़ करके दोनों साइड अच्छे से पलट पलट के सेक लीजिए। दोनों साइड लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक सेकें और उसके बाद इसको सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।